हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हमेशा की तरह आज भी यही हुआ। सुबह से हम फ़ोन चला रहे थे क्योंकि हमारा प्लानिंग कहीं और जाने का था, बट अचानक हमने डिसाइड किया क्यों ना मंदिर होके आए। तो हमने सोचा वशिष्ठ मंदिर चले जाते हैं। वैसे भी मैं कभी नहीं गई और मामा जी और मामी श्री बहुत बातें करते इस मंदिर के बारे में। और जल्दी जल्दी उठ के हमने सारा काम किया और काम करते करते दोपहर ही हो गया। फिर जल्दी जल्दी निकल के आ गए हम, और जिस रास्ते से हम मंदिर की ओर जा रहे थे उस रास्ते की हरियाली देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया। मामी जी का पता, मैं तो पहली बार जा रही थी तो मेरी खुशी आसमान छू रहे थे। फाइनली हम पहुंच गए मंदिर के मुख्य द्वार पे। एक बात कहा जाता है, वैसे कितना सच है मुझे नहीं पता, मेरे मामा श्री ने मुझे कहा है कि कोई भी जोड़ा अगर इस मंदिर के अंदर साथ में जाएंगे तो उन लोगों का रिश्ता नहीं टिक पाता है, मतलब खराब हो जाता है रिश्ता। तो कितना सच है मुझे नहीं पता और मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं करनी। यहाँ पर एक टोटो वाला भैया मेरे कैमरे पे हाय बोल रहे थे तो मैंने भी मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ आए। और फिर जल्दी जल्दी हम एक दुकान पर आ गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। ऊपर से हम कुछ भी लेके नहीं आए थे तो हमने दिए वगैरह लिया। वैसे माना जाता है, बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं 12 बजे से पहले सुबह का पूजा कर लेना चाहिए, बट क्या करें, हम लेट हो चुके थे, हमारे पास कोई उपाय नहीं थे। तो जल्दी जल्दी मामी श्री ने एक दिया, मैंने एक दिया ले लिया, साथ ही में एक अगरबत्ती और वो छोटे छोटे मीठे वाले दाने होते ना वो लिया, और फिर आगे बढ़ा। यहाँ पे एक ऐसे टेंट हाउस टाइप का कुछ बना के दिया है शरणार्थी के लिए। हाँ, शरणार्थी बोलते ना। यहाँ पर खाना लग गया था दोपहर का, मेरा भी मन हो रहा था खाने का, बट हमें पूजा भी करनी थी और हम पुष्प लेना भूल गए थे तो एक दुकान से हमने थोड़ा सा फूल वगैरह लिया। तो ये हमारे थोड़े से पूजा की सामग्री है। और मैं पता नहीं फिर से यहाँ पर क्यों चली गई वीडियो करने, और मुझे खुद ही बुरा लगा, शायद इन लोगों को बुरा लगेगा कि मैं इन लोगों का वीडियो करूँ। सो वहाँ से मैं चली आई और फिर मंदिर की ओर हम आगे बढ़ने लग गए। तो इन सीढ़ियों से होकर हम जाएंगे वशिष्ठ आश्रम देवालय। गेट पे लिखा ही होता है यहाँ पर गणेश और दुर्गा लिखा हुआ है क्योंकि इस रास्ते से गणेश और दुर्गा के मंदिर पे जाते हैं, बट अंदर से भी रास्ता है, हम अंदर से ही गए थे। मंदिर जाने से पहले हम अपने चप्पल उतारने आ गए, एक भैया होता है जिनके पास चप्पल रखने होते। यहाँ पर लिखा ही है कि मंदिर के अंदर जूता चप्पल लेके प्रवेश ना करे, उतार के जाए। परंतु एक दो नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो चप्पल के साथ घूम रहे थे। बुरा लगा था अंदर ही अंदर मुझे, यार अगर आप लोगों के मन में इतना ही श्रद्धा है तो चप्पल उतारने में क्या प्रॉब्लम है भाई, बट इट्स ओके। वैसे वहाँ पर मेरा दुख समझने वाला कोई था नहीं, और वहाँ के जो मतलब पंडित वगैरह उन लोगों की भी क्या गलती, अब कितने संभालेंगे, इतने लोग आते कितनों को बोलेंगे, हर किसी के दिमाग में ये बात होनी चाहिए। जो भी हो, हमने थोड़ा पूजा वगैरह किया, फिर झरने के पास चले आए। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, एक है कांता, एक है संध्या और एक है ललिता। और इन झरनों का आवाज़ इतना मतलब तेज़ और इतना ज़ोर से आते कि वहाँ पर आप कुछ भी बोलोगे तो सुनाई भी नहीं देगा। शायद मैं आप लोगों को थोड़ा सा सुना रही हूँ, आप लोग सुनो बस। इस नदी का मेन स्रोत मेघालय से होकर आते हैं और वशिष्ठ मंदिर होके गुवाहाटी सिटी में जाते हैं। और यहाँ का पानी इतना ठंडा है कि गर्मियों में नहाने का मन हो रहा था हमें। अगर आप पहले से प्रिपेयर होके जाएंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पर नहा सकते हो, यहाँ पर बहुत लोग नहा भी रहे थे। हमने भी अपने चरण थोड़े से जल के अंदर डाले, बहुत ज़्यादा पानी ठंडा था, अच्छा लग रहा था। और ये मंदिर पहाड़ के किनारों में है तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, इतनी हरियाली है, बहुत सुकून मिलता है जाके। और इस मंदिर की स्थापना वशिष्ठ मुनि ने किया था और कहा जाता है वशिष्ठ मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी, और जिस पत्थर पे बैठ के तपस्या किया था उस पत्थर पे अभी मंदिर निर्मित है। सो गाइस, यहाँ पर एक बंदर जी मिला जो मेरे फ़ोन को बस लेके दौड़ना चाह रही थी और मैं भी बंदर की तरह इसे चिरा रही थी। वैसे मैं भी तो हूँ एक प्रकार की बंदरिया ही ना, जो भी हो ये बंदर मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। वैसे इस मंदिर का स्थापना वशिष्ठ मुनि ने किया था, बट इसका जो निर्माण है वो आहोम किंग राजेश्वर सिंह ने करवाया था। एंड गाइस, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे शिवलिंग देखने को मिल जाएगा जगह जगह पे जहाँ पर पूजा वगैरह होती है और लोग आके दिए भी जलाते हैं। एंड यहाँ पर एक गेट टाइप का कुछ तो है ये, जिसके अंदर से होकर हमें मंदिर के अंदर जाना होता है और इसी गेट से हम बाहर भी निकल आए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ये मंदिर पहाड़ के किनारे या फिर पहाड़ के बीच में भी बोल सकते हो क्योंकि चारों तरफ तो पहाड़ी है। तो हमने सोचा पहाड़ में जाते, परंतु धूप इतनी थी और ऊपर से भीड़ भी बहुत हो गई थी तो सोचा आज नहीं जाते, बाद में जब कभी आएंगे तब चले जाएंगे। तो फिर हम निकल आए और यहाँ पर बहुत सारे बस थे, आप लोगों को यहीं पर बस मिल जाएगा अगर आप लोगों को कामाख्या जाना है या फिर कहीं पर भी जाना हो, सारे बस यहाँ पर है ही। पर हमें बस में से नहीं जाना था, हमारा रूम इतना भी दूर नहीं था इसलिए हमने टोटो ले लिया, और दोनों को भूख भी बहुत लग गई थी इसलिए हम चले आए। और मामी श्री मुझे छोड़ के चली गई और मैंने सोचा थोड़ा सा बाजार ही घूम लूँ, क्या ही करूँगी रूम में जाके, जब तक मामी जी खाना बनाते तब तक मैं थोड़ा सा कपड़ा वगैरह देख लूँ।
ये पैंट मैं लेना चाहती थी बट छू के देखा यार ये इतना गर्म है, इस गर्मी में अगर मैं ये पहनूंगी तो मैं तो फटी जाऊंगी, इसलिए उसे रख दिया और फिर मैं चली गई आगे। यहाँ पर शॉर्ट्स मिल रहे थे 100 रुपीज़ में और बहुत कुछ मिल रहे थे, बट मुझे जो चाहिए था मैं उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। यहाँ से मैंने कुर्ती ली थी, मैंने सनग्लास भी ट्राई किया, मुझे बहुत मन करता है पहनने का बट पता नहीं क्यों खरीदने के टाइम मेरा मन नहीं करता है, फिर मैं सोचती हूँ मैं खरीदूंगी मैं पहनूंगी नहीं, वैसे मैं पहनती कहाँ हूँ ये सब। मुझे सनग्लास तब पहनने का मन करता है जब मैं देखती हूँ दूसरों को पहनते हुए और जब वो कूल लगते मैं भी सोचती हूँ काश मेरे पास भी एक होता, काश मैं भी पहनती, बट जब मैं खरीदने जाती हूँ तब मुझे कुछ पसंद नहीं आती। ये वाला तो मैंने सबके पास है इसलिए मैंने इसे रख दिया। वैसे वहाँ पे लोग मुझे घूरने लग गए थे बट मैं बेशर्मों की तरह सनग्लास ट्राई करने लग गई और ये मैंने जब ट्राई किया ओ गॉड मैं इतना कूल लग रही हूँ, सच में बता रही हूँ ये इसमें मैं बहुत ज्यादा कूल लग रही थी, सच में बता रही हूँ गाइस। अगर दुकानदार वाला भैया दुकान पे रहते तो मैं ये जरूर लेती बट बहुत इंतजार के पश्चात भी वो नहीं आए तो मैंने सोचा रहने दो बाद में कभी ले लूंगी। मामी श्री ने आते समय सरसों का तेल लेने को बोला था तो मैं वो लेने दुकान पे चली गई और फिर रूम चले आए। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, मैं मिलती हूं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।